दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, चेहरे को निखारने की सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, चेहरे पर निखार कैसे लाया जाए, चेहरे को गोरा कैसे बनाया जाए, चेहरे को डार्क स्पॉट, पिंपल, पिगमेंटेशन से दूर कैसे रखा जाए, इसके मैं ऑलरेडी आपके साथ में कई सारे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आज के वीडियो में भी मैं आपको इसी तरह की एक और फेस मास्क बताने वाली हूँ जो कि आपके चेहरे को 10 साल तक जवान दिखा सकता है। सिर्फ बेसन की मदद से हम हमारे चेहरे पर एक निखार ला सकते हैं, गुलाबों वाला निखार ला सकते हैं। तो कैसे यूज़ करना है बेसन का चेहरे को निखारने के लिए, चलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को भी हिट कर लो, और हाँ, आपको लगातार आई बटन पर जो लिंक शो हो रहे हैं आप उन्हें भी ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर देखें। तो चलिए आज का पैक आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। ये फेस पैक बनाने के लिए यहाँ पर हमें टमाटर ले लेना है। अब टमाटर को क्या करेंगे, हम बीच में से कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कट किया है हमने, ये जो पीछे वाला हिस्सा है वो यहाँ है और इस तरह से इसे कट कर लिया है। तो अब कट करने से क्या होगा कि इसमें जो पल्प है वो क्लियरली निकल आएगा। ठीक है, ये देखिए, जैसे हम इसे स्क्वीज करेंगे तो ये पल्प इसमें से निकलेगा। ये पल्प और जूस, इसका ही हमको इस्तेमाल करना है। हमें कोई मिक्सर में ग्राइंड वगैरह नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से इसे स्क्वीज करके इसका पल्प हमें निकाल लेना है। ये देखो, ये अभी ज़्यादा तिरछा करूँगी तो शायद धुल जाएगा, यहाँ पर ये निकल गया। ठीक है, इतना सफिशियंट होगा मेरे फेस के लिए। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें मैं ले लूँगी लगभग आधा चम्मच के करीब बेसन। बेसन से क्या होगा, एक इसे थिकनेस मिल जाएगी। ठीक है, टमाटर में क्या होता है, बहुत ही अच्छा वाला सिट्रिक एसिड होता है, माइल्ड सिट्रिक एसिड होता है, जो कि हमारे फेस से ब्लेमिशेस को खत्म करता है, डार्क स्पॉट्स को खत्म करता है, फेस को जो टमाटर जैसा लाल लाल वाला ग्लो देता है। ठीक है, तो ये हमने इसमें आधा चम्मच बेसन डाल लिया है। अगर आपको लगता है कि ये गाढ़ा नहीं हो पाएगा इससे, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा बेसन डाल लो। ये मैंने लगभग 3/4 चम्मच के करीब डाल लिया है। अब साथ में हम इसमें डाल लेंगे सिंगल पिंच ऑफ टर्मरिक। ठीक है, हम बिल्कुल चुटकी भर हल्दी डालना है। हल्दी आपको अगर सूट होती है तो डाल लो, नहीं सूट होती तो मत डालो। कईयों की शिकायत आती है कि मैडम हमें हल्दी से कालापन हो जाता है, हमारा फेस थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो नहीं अगर सूट होती तो मत डालो। वैसे मुझे सूट होती है हल्दी, और वैसे जनरली हल्दी जो होती है वो फेस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हल्दी हमारे, मतलब एक तरह से कहा जाता है कि लेडीज के लिए तो वरदान होता है हल्दी, क्योंकि ये ब्यूटी को एनहेंस करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो इसमें हमने सिंगल पिंच ऑफ हल्दी डाल ली है। अगर वैसे यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ शेयर करूँ कि अगर आप रात में सोने से पहले हल्दी का दूध पीते हैं, जिसे गोल्डन मिल्क कहा जाता है, विदाउट शुगर वाला, ठीक है, तो भी आपकी स्किन कभी खराब हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो उसको यूज़ करना, कैसे यूज़ करना है कि सिर्फ आपको क्या करना है, एक ग्लास दूध लेना है, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल लो। ठीक है, गर्म दूध लो उबला हुआ, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल लो, जब वो नॉर्मल हो जाए दूध, तब उस दूध को पी लो। बहुत ही बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए, रीजेंट, और लेडीज़ के लिए तो वरदान होता है, क्योंकि हम लोग एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन D3 की कमी होती है, B12 की कमी होती है, तो अगर हम लगातार गोल्डन मिल्क पीते रहते हैं तो हमें स्किन से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और ये जितने भी विटामिन वगैरह की कमी होती है, D3 की, B12 की, ये भी उससे नहीं होती है, हमारी हड्डियों में दर्द नहीं होता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलो, ये तो हुई है गोल्डन मिल्क की बात, यहाँ पर हम फेस पैक की बात कर रहे थे। टमाटर लिया है, बेसन लिया है, ठीक है, और सिंगल पिंच ऑफ टर्मरिक ली है। अब फोर्थ इंग्रेडिएंट जो कि कॉमन सा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यूज करो ना करो, ये ऑप्शनल है, पर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, वो है डाबर का हनी। ठीक है, हनी आपको यूज करना है, आप डाबर का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। लगभग 1/4 चम्मच के करीब हम हनी यूज कर रहे हैं इसमें। हनी क्या होता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, और ये भी हमारी ब्लेमिशेस को, डार्क स्पॉट्स को खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इन चारों चीजों को जस्ट हमको मिक्स कर लेना है। इसके अलावा हमें इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत अच्छा सा, ये देखो पेस्ट बहुत अच्छे से बन गया। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है या बहुत ज़्यादा पतला। फेस पर लगा लेती हूँ, मेरा फेस धुला हुआ है, मैंने वीडियो बनाने से पहले ही फेस को धो लिया था और कोई भी मेकअप नहीं लगाया था फेस पर। ठीक है, ये मेरी ओरिजिनली स्किन है, मैं डायरेक्ट इसे लगा रही हूँ। कोई भी अगर आप पैक लगाते हैं तो ये सावधानी आपको रखनी है कि आपका फेस धुला हुआ हो, क्योंकि अगर फेस पर कुछ लगा हुआ होता है तो ये हमारे जो फेस पैक होते हैं ये उसके साथ में रिएक्शन करके दूसरा ही रिजल्ट दे देते हैं। तो अब हम इसे हमारे पूरे फेस पर लगा लेते हैं। तो
ये फेस पे हम लगा लेंगे। अभी लिपस्टिक लगी हुई है तो होंठों पर तो लगाना नहीं है, इसलिए मैंने लिपस्टिक हटाई नहीं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी है ना, इसलिए मैं इसे आराम से कहीं भी बैठ के लगा सकती हूँ। अगर ये ज्यादा पतला होता तो लगाने में दिक्कत आती, इसलिए बेसन हमने इसमें डाल लिया। और वैसे बेसन भी बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है, स्क्रबर का बहुत अच्छा काम करता है, स्किन पर अगर एक्सेस ऑयल होता है वो भी निकालने में मदद करता है। ये जो फेस पैक है ये एक तरह से ओवरऑल पैकेज है, ठीक है। मतलब अगर आपको ऑयली स्किन है तो भी आपको सूट हो जाएगा, अगर आपको ड्राई स्किन है तो भी सूट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने ड्राई स्किन अगर है तो हमने इसमें शहद यूज किया है, तो जो शहद है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज कर देगा, स्किन पर जो ऑयल जरूरी है, ऑयल का सेक्रेशन जो है उसे प्रोड्यूस इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और अगर आपको ऑयली स्किन है तो इसमें जो टमाटर है वो और जो बेसन है वो स्किन के ऑयल को बैलेंस कर देगा, ठीक है। बस ये इस तरह से हमें इस फेस पैक को लगा लेना है। लगाने के बाद में आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये फेस पैक लग गया है, अब मैं इसे 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगे रहने दूंगी। 10 मिनट बाद क्या करना है चलो वो भी बताऊंगी, पर इसको पहले 10 मिनट हो चुके हैं और ये ड्राई हो चुका है। अगर ये 10 मिनट में ड्राई नहीं होता है तो आप 15 मिनट भी रख सकते हैं, वैसे 10 मिनट सफिशियंट है, ना भी अगर ड्राई हो तो कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है रोज वाटर, अगर आपके पास में स्प्रे बॉटल में है तो इसे अपने फेस पर थोड़ा स्प्रे कर ले। स्प्रे करने के बाद में आपको थोड़ी सी मसाज करना है, ठीक है, इससे, ताकि इससे क्या होता है मसाजिंग से कि ये जो हमने सारी चीजें यूज करी है ये डीप पेनिट्रेट हो जाए हमारी स्किन में, सारे इसके जो प्रॉपर्टीज हैं ये उभर के निखर के अंदर से निकल के आए, ठीक है। और जैसे बेसन है इसमें तो बेसन स्क्रबिंग भी कर देगा हमारे फेस की, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा हमको मसाज लेना है, अगर आपके पास में रोज वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर हाथों में लेकर हाथों को थोड़ा सा गीला करके और मसाज कर लो। अब ये मसाज करने के बाद में आपको क्या करना है, धो लेना है नॉर्मल वाटर से, फेस को वॉश कर लेना है। तो मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ नॉर्मल वाटर से, आप चाहे तो इसे कॉटन से पोंछ भी लें पर मैं डायरेक्ट धो लेती हूँ। तो ये मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद में आप जस्ट सिंपल वेट ड्राई कर लेना है स्किन को अच्छे से, फेस को हम डैब डैब करके वॉश कर लेंगे। ये देखिए बस, अब वॉश करने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी स्किन पर मस्ट चीज है ये एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल और टमाटर ये दोनों अगर आप अपनी स्किन पर कंटिन्यू लगाते रहेंगे तो गजब वाला आपको आपकी स्किन में डिफरेंस दिखेगा। बस थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और इसको बस उतनी देर मसाज करनी है जब तक ये पूरा सूख ना जाए फेस पे, मतलब अच्छे से ऑब्जर्व ना हो जाए। जनरली बिल्कुल हल्के हाथों से आपको अपनी स्किन में इसे अंदर पेनिट्रेट करना है, ठीक है। और फिर इस तरह से, इससे क्या होता है ऐसे डैब 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 करने से स्किन में ब्लड का फ्लो बढ़ता है, स्किन में एक अंदर से नरिशमेंट आता है, एक वाइब्रेशन, ये जो प्रोसेस होती है ये वाइब्रेशन है हमारे फेस को, वाइब्रेशन प्रोसेस से हम ग्लो निखार के लाते हैं, ठीक है। इससे कई सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे फेस के दब जाते हैं। बस बस इतना आपको करना है, ये आपकी स्किन के लिए, आपके फेस के लिए, पिगमेंटेशन ब्लेमिशेस सबको दूर करने के लिए। या दोस्तों, तो ये आपने देखा, ये जो फेस पैक है ये सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। किसी भी टाइप की स्किन हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, सभी के लिए हेल्पफुल है। चेहरे को एक रंगत देने के लिए, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और फिर आपको रिजल्ट 5 ही बार में, इसका सिर्फ आप 5 बार इस्तेमाल करेंगे उसमें ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो जरूर आप इसका इस्तेमाल करें और फिर रिजल्ट मेरे साथ में शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके जाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय।